हेलो फ्रेंड्स, आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है टेबलेट एटारेक्स। एटारेक्स के कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिन, और ये जो एटारेक्स टेबलेट है जो कि बिलोंग करता है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ मेडिसिन मेडिकल कॉल्ड एंटी हिस्टामिन। और ये जो है वो हेल्प करता है इचिंग के अंदर और एडवर्स रिएक्शन के अंदर, जो कि ओपोइड्स मेडिकेशन लेने के बाद जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने में यह हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल एलर्जी की कंडीशन में किया जाता है। यूजेस एलर्जी और टेंशन, कभी कभी टेंशन के केसेस में भी, स्ट्रेस के केसेस में भी एटारेक्स टेबलेट यूज़ किया जाता है। डोजेस की बात करें तो एडल्ट के अंदर 25 to 100 mg 3 to 4 टाइम अ डे, एक दिन में 3 से 4 बार 25 से 100 mg तक ले सकते हैं। चाइल्ड की बात करें तो यह सुबह शाम 2 mg पर kg के हिसाब से लेना होता है। बॉडी में इसका असर 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। एटारेक्स इंजेक्शन की बात करें तो एडल्ट में IM 50 to 100 mg 6 hourly लेना चाहिए, जबकि चाइल्ड में 2 mg पर kg के हिसाब से लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वर्टिगो, माउथ ड्राई, ड्राई स्किन और कॉन्स्टिपेशन, मसल्स वीकनेस, रेड स्पॉट, ब्लंट विजन, कफिंग, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। इसके एक्शन की बात करें तो यह क्या करता है कि जो इट वर्क बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द वन ऑफ द बॉडी नेचुरल केमिकल नाउन एज हिस्टामिन, जो हमारे बॉडी का नेचुरल केमिकल होता है हिस्टामिन, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। हिस्टामिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनी ऑफ द सिम्टम्स इन वेन एलर्जिक रिएक्शन के लिए हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। हम थोड़ा सा इसके एल्कोहल के कंडीशन में इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एल्कोहल की कंडीशन में ड्राउजीनेस और नींद आ सकती है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी के अंदर अनसेफ है, इसको नहीं लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान से फैले सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान अनसेफ है, क्योंकि इसको लेने के बाद चक्कर आना या ब्लंट विजन हो सकता है, इसलिए जब एटारेक्स टेबलेट लें तो ड्राइव नहीं करना चाहिए। किडनी और लीवर पेशेंट के लिए यह मेडिसिन सेफ है, इसको ले सकते हैं। और एटारेक्स टेबलेट जो है वो एक अच्छी टेबलेट है इचिंग की कंडीशन में। इसको फंगस और फंगल इन्फेक्शन के केसेस में भी डॉक्टर ओडी लिखते हैं इचिंग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।